आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि आज की डेट में आप लोगों का जानना काफी ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप लोग लगातार देख रहे हो जो इंडियन मार्केट है वो किस तरीके से गंदा काम कर रहा है। मार्केट के अंदर हर जगह के ऊपर ट्रैपिंग हो रही, चाहे बात करूं सपोर्ट के ऊपर, चाहे बात करूं रेजिस्टेंस के ऊपर, हर जगह के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रैपिंग हो रही है। तो इससे बचने का हमारे पास में क्या तरीका है, क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास में जिसके अंदर हम ट्रेड कर सके और पैसे कमा सके, पैसे बना सके। गाइस पूरा एनर्जी के साथ में आज बात करने वाला हूं, पूरा खुल के बात करने वाला हूं, क्योंकि इंडियन जो मार्केट है वो भैया इतने ऐसे लंटिंग कर रहा है, इतना लॉस करवा रहा है लोगों का कि परेशान हो चुके हैं। ऊपर से ये जो मार्केट, ये जो सेबी लेकर आ रही है नया नियम कि भैया 20 से 30 लाख की लोड साइज होगी, साथ ही साथ में 30% टैक्स देना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर आपको प्रॉपरली एक वीडियो चाहिए कमेंट करना, मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं दूसरा ऑप्शन जिसके अंदर आप लोग ट्रेड करके पैसे बना सकते हो। जी हां गाइस, जैसे कि आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे हो, सेम टू सेम आप लोगों को लग रहा होगा कि सर मार्केट बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, सर निफ्टी उफ्टी को देख रहे हो और मार्केट अभी चालू है। टाइम क्या हो रहा है आप लोग नीचे देख सकते हो, टाइम क्या हो रहा है और इस वक्त कौन सा मार्केट चालू है। तो चलिए गाइस बात करते हैं इस मार्केट के बारे में। जी हां गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं क्रूड ऑयल के बारे में, जो कि मार्केट के अंदर अच्छा पैसा बना के आपको दे सकता है। तो चलिए बात करें इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम के अंदर ज्वाइन नहीं हो और ज्वाइन होना चाहते हो, नाम से सर्च करोगे बहुत सारे टेलीग्राम चैनल फर्जी है। तो अगर आपको ज्वाइन होना है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, वहीं से ज्वाइन होना है, एकमात्र तरीका है। तो चलिए गाइस, अगर ज्वाइन नहीं होते हो ऊपर व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहे होंगे, वहां पे मैसेज करके आप हमसे इंक्वायरी मतलब जो भी है कि सर मैं ज्वाइन नहीं हो पा रहा हूं, वो आप हमसे बात कर सकते हो। तो चलिए गाइस बात करता हूं क्रूड ऑयल के बारे में। जैसे अब ये क्रूड ऑयल होता क्या है सर, किस तरीके से इसके अंदर ट्रेड किया जाता है, क्या जो चीजें हम बैंक की निफ्टी या फिर मतलब इंडियन मार्केट के अंदर जो चीजें फॉलो करते हैं, चाहे बात करूं बैंक की निफ्टी, निफ्टी उफ्टी, फिन निफ्टी, मिडकैप निफ्टी, सेंसेक्स, जो चीजें हम इनके अंदर यूज करते हैं, क्या सेम टू सेम चीजें हम इनके अंदर भी यूज कर सकते हैं, मतलब प्राइजेक्शन डाटा एनालिसिस, क्या इसके अंदर भी वही चीज हम यूज में ले सकते हैं। तो बात करते हैं गाइस। जी हां गाइस, मैं ये बोलना चाहूंगा लेकिन इसके अंदर एक चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि ये जो मार्केट है ये बैंक निफ्टी मतलब एक तरीके से जो अपना बैंक निफ्टी हो गया, इंडेक्स ऑप्शंस होते हैं बैंक निफ्टी, निफ्टी उफ्टी, फिन निफ्टी, सेंसेक्स, इनके जैसा काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो किसके भरोसे चलते हैं, वो डाटा के, मतलब कि उसके अंदर भैया आपको ट्रैप किया जा सकता है, इसके अंदर ट्रैप नहीं किया जा सकता। उसके अंदर आपको जो बड़े बड़े प्लेयर्स जो मार्केट के ऑपरेटर है वो क्या करते हैं, मार्केट को पहले ऊपर लेके जाते हैं, धड़ाम से यहां से नीचे गिरा देते हैं और आपका एसएल खा जाते हैं, आपका मोटा लॉस हो जाता है। लेकिन इसके अंदर ऐसा फंडा नहीं है, क्योंकि ये किसके ऊपर चलता भी है, ये चलता है सप्लाई के ऊपर, ये चलता भी है डिमांड के ऊपर, मार्केट ये चलता है सप्लाई और डिमांड के ऊपर। क्रूड ऑयल बेसिकली होता क्या है, ये एक तरीके से कच्चा पदार्थ है, जिससे आप लोग देखते हो पेट्रोलियम पदार्थ बनता है, डीजल वगैरह, ये एक तरीके से आप वो मान के चलो, होता है एक्चुअल में बहुत कुछ अलग, मतलब इससे बहुत सारी चीजें बनाई जाती है। लेकिन देखो मेरा काम है आपको सिंपल वे में समझाना ताकि आपके यहां पे जाके फिट हो जाए कि यार ये होता क्या है। तो कहने का मतलब ये कि भैया आप लोग देखते हो इसका, मैं ये कहना चाहूंगा कि 60% जो रोल होता है ना वो होता है इसके अंदर भैया न्यूज का। आपको न्यूज के ऊपर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोग देखते हो, आप लोगों ने सुना होगा यार, जैसे अभी वॉर हुए पिछले कुछ टाइम से ईरान का, इजराइल वगैरह, ये जो वॉर हुए पीछे, अभी आपने देखा कि भैया मार्केट के अंदर न्यूज भी आ रही थी कि भैया क्रूड ऑयल के भाव नीचे गिर गए, क्रूड ऑयल के भाव बढ़ गए, ऐसा न्यूज आपने बहुत बार सुनी होगी, जाहिर सी बात तो सुनी होगी। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि न्यूज के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई नई वॉर छिड़ गई या मार्केट के अंदर मान लो कोई ऐसा चीज हो गई, दो देशों के बीच में कोई वॉर छिड़ गई या और भी बहुत सारी चीजें होती है, मान लो कोई जैसे अभी कोरोना वायरस आया था, इसके अंदर भी क्रूड ऑयल के भाव गिर गए थे, ठीक है। तो अपने को मार्केट के अंदर न्यूज भी देखना अगर आप क्रूड ऑयल के अंदर काम कर रहे हो। और गाइस कमोडिटीज के अंदर ओनली फॉर क्रूड ऑयल ही नहीं आता है, कमोडिटीज के अंदर नॉन एग्री कमोडिटी और एग्री कमोडिटी भी आती है, मतलब कहने का मतलब ज्वार, बाजरा, गवार, गेहूं, गेहूं भी आई थिंक आता होगा, इसे बोलते हैं अपन एग्रीकल्चर कमोडिटी, कहने का मतलब वो है। और नॉन एग्री कमोडिटी कौन सी होती है, जैसे कि हो गया भैया अपना क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, जिंक हो गया, गोल्ड मिनी हो गया, बहुत सारी चीजें जैसे कि नेचुरल गैस हो गई, ये आती है भैया अपने पास में नॉन एग्री कमोडिटीज के अंदर। अब इंडिया के अंदर भैया जहां पे कमोडिटीज यहां पे ट्रेड होती है वो कौन सा एक्सचेंज है, जिस तरीके से आज अपनी जो बैंक निफ्टी हो गया या फिर निफ्टी उफ्टी हो गया, मतलब कि स्टॉक्स हो गए, वो कहां पे लिस्टेड है, वो है भैया एनएससी के ऊपर, बीएससी के ऊपर, वो स्टॉक एक्सचेंज है। लेकिन इंडिया के अंदर जहां पे भैया कमोडिटीज ट्रेड होती है वो कौन सा एक्सचेंज है, एमसीएक्स,
ये अपने इंडिया के अंदर भी है जहां पे कमोडिटीज ट्रेड होती है वो MCX के ऊपर ट्रेड होती है। हालांकि एग्री कमोडिटीज गाइस दूसरा कोई ब्रोकर है मतलब एक्सचेंज है वहां पे ट्रेड होती है, मुझे थोड़ा नाम याद नहीं आ रहा इसके लिए माफी चाहूंगा ठीक है। मतलब जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है ना ज्वार गवार बाजरा और भी बहुत सारी चीजें होती है वो दूसरे एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड होती है ठीक है, नाम मुझे याद नहीं आ रहा माफी चाहूंगा ठीक है। चलो तो मैंने आपको बताया कि भैया MCX के ऊपर ट्रेड होती है और कमोडिटीज भी बहुत सारी होती है। अभी मैंने आपको बताया गोल्ड यहाँ पे जिंक हो गया अपना कॉपर मतलब कि कॉपर यहाँ पे नेचुरल गैस हो गई क्रूड ऑयल हो गया ये आती है भैया कमोडिटीज के अंदर। तो अब सबसे ज्यादा सर ट्रेड किसके अंदर होता है, देखो ट्रेड भैया मेजरली तीन के अंदर सबसे ज्यादा होता है, जो वॉल्यूम सबसे ज्यादा आता है वो मेजरली तीन के अंदर आता है। पहला हो गया भैया अपने पास में कौन सा गोल्ड हो गया ठीक है, गोल्ड इसके अंदर भी भैया अच्छा खासा वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। दूसरा हो गया भैया नेचुरल गैस ठीक है, दूसरा हो गया अपने पास में कौन सा नेचुरल गैस, और तीसरा अपने पास में जो सबसे फेमस है वो हो गया भैया अपने पास में कौन सा क्रूड ऑयल ठीक है। इन तीन के अंदर सबसे ज्यादा वॉल्यूम देखा गया है कमोडिटीज के अंदर। तो चलिए बात करते हैं आज इनमें से अपन एक को देखो सबसे ज्यादा जो फेमस है ना वो है क्रूड ऑयल, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसके अंदर ट्रेड कीजिए अच्छे तरीके से ट्रेड कीजिए पैसे आपके बनने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं, ये तो भी अपन ने मोटा मोटा जान लिया, अब आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर कि सर ट्रेड किस तरीके से करना है, किस तरीके से हमें ओपन करना है, कहां पे ये ओपन होगा, कौन से जगह के ऊपर जाके सर क्या हमें दूसरा ब्रोकर चाहिए मतलब जो हमारा धन में अकाउंट है जीरोधा में अकाउंट है अपर स्टॉक्स में है इनके अलावा क्या हमें दूसरा ब्रोकर के अंदर जाके अकाउंट ओपन करना पड़ेगा सर। तो चलिए गाइस एक एक के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको कोई दूसरा ब्रोकर यूज नहीं करना जिसके अंदर भी आपका डीमैट अकाउंट है, मेरा धन के अंदर है, धन के अंदर मैंने ओपन करके रखा हुआ आपके सामने, तो जिसमें भी आपका ब्रोकर के अंदर आपका अकाउंट है उसमें जाइए वहां पे आपके कमोडिटीज का ऑप्शन मिलेगा जहां पे ऑप्शन ट्रेडिंग लिखा हुआ आता है वहां पे देखो यहां पे मतलब म्यूचुअल फंड लिखा हुआ आता है उसी के पास में आपको कमोडिटीज का ऑप्शन भी मिलेगा। कमोडिटीज अगर आपने एक्टिव नहीं कर रखा है तो उसको जाके एक्टिव कर सकते हो, जैसे आप कमोडिटीज के ऊपर क्लिक करोगे वहां पे आपके सामने कुछ ऑप्शन निकल के आएंगे गोल्ड नेचुरल गैस गोल्ड मिनी यहां पे और भी बहुत सारे ऑप्शन क्रूड ऑयल वगैरह, तो आपको क्रूड ऑयल के ऊपर यहां पे क्लिक करना है। अब यहां पे देखो सबसे बड़ा जो डाउट था ना वो यही था लोगों का कि सर हमारे मार्केट के अंदर जैसे बैंक निफ्टी है, जैसे हमारे मार्केट के अंदर क्या है सर हमारे मार्केट के अंदर बैंक निफ्टी है तो सर इसका फ्यूचर भी चलता है मतलब बैंक निफ्टी तो स्पॉट प्राइस तो चलती है लेकिन साथ साथ में सर फ्यूचर भी चलता है, लेकिन भैया यहां पे तो ऐसा नहीं है क्यों, क्योंकि देखो यहां पे क्रूड ऑयल में क्या है क्रूड जुलाई फ्यूचर मतलब कि जुलाई का फ्यूचर ओपन कर रखा है सर आपने तो इसका स्पॉट तो आपने ओपन किया ही नहीं। मैं आपको बता देता हूं यहां पे इसका ओनली फ्यूचर ही ट्रेड होता है मतलब फ्यूचर को आप लोग बाय कर सकते हो, जैसे आप लोग बैंक निफ्टी को बाय नहीं कर सकते लेकिन इसके अंदर आप लोग भैया यहां पे फ्यूचर को बाय कर सकते हो और फ्यूचर ही ट्रेड होता है। अगर आप लोग सर्च करोगे ना देखो मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं, जो देखो यहां पे जाता हूं मैं ठीक है यहां पे पता ही होगा यार आप लोगों को ठीक है। देखो यहां पे मैं क्रूड ऑयल सर्च करता हूं ये देखो ठीक है क्रूड ऑयल देखो क्या क्या लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने ठीक है। एक सेकंड देखो आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है देखो क्रूड ऑयल जुलाई फ्यूचर क्रूड ऑयल यहाँ पे ठीक है ये रहा मतलब क्रूड ऑयल अगस्त फ्यूचर क्रूड ऑयल सितंबर फ्यूचर। तो यहाँ पे वो फंडा नहीं है कि जैसे कि आप कहीं सर्च करने लग जाओ कि भैया जैसे बैंक निफ्टी है वैसे भैया क्रूड ऑयल ओनली मतलब हमको फ्यूचर नहीं चाहिए हमको तो सिर्फ क्रूड ऑयल चाहिए तो ऐसे मत करना यार ठीक है, ये फ्यूचर ही ट्रेड होता है। तो देखो मेरे को कौन सा ट्रेड करना है मेरे को भैया यहाँ पे किसके अंदर करना है मेरे को जो पास वाला होगा मतलब कि जुलाई का जो फ्यूचर है मैं उसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये लो मैंने भैया इसके ऊपर जैसे ही क्लिक किया मेरे सामने ये लग के आपके सामने हाजिर हो गया, ये लो ये चल रहा है ये देखो चल रहा है ना। अब इसके अंदर सबसे बड़ी बात पता है गाइस क्या है कि आप लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हो जिस तरीके से बैंक निफ्टी निफ्टी उफ्टी अरे भैया ये जो सेबी नियम वगैरह ला रही है ये क्यों ला रही है क्योंकि लोगों का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है ऑप्शन ट्रेडिंग में, एक दिन के अंदर करोड़पति होना है तो मेरे भाई वही चीज यहां पे कर लो वही चीज ऑप्शन ट्रेडिंग करो ना कौन मना कर रहा है। देखो यहां पे मैं जाऊंगा क्रूड ऑयल मैंने ओपन कर लिया है कैसे ओपन करना पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया मैंने ठीक है पूरा स्टेप बाय स्टेप समझा दिया है। क्रूड ऑयल आपके सामने ओपन है अगर आप ट्रेडिंग व्यू के अंदर ओपन करना चाहते हो तो वो भी मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए मैंने यहां पर क्या ओपन किया हुआ है क्रूड ऑयल फ्यूचर MCX आगे MCX ये देख लेना MCX। अब यहां पे गाइस एक चीज जैसे आप यहां पे देखो मैं आपको और चीज दिखाना चाहूंगा क्रूड ऑयल ये देखिए गाइस क्रूड ऑयल एक सेकंड गाइस देखो यहां पे गाइस आप लोगों को कुछ चीजें दिख रही होगी देखो यहां पे अपना कौन सा ये रहा
क्रूड ऑयल फ्यूचर M6, लेकिन ऊपर आपको दिख रहा है WTI क्रूड ऑयल। ये कहां का भैया? ये है अमेरिका का, जो अपना फॉलो करता है M6, जो फॉलो करता है वो किसको करता है? इसको करता है, WTI को फॉलो करता है। तो आप लोग इसको भी देख सकते हो, मतलब कि दो चार लगा के आप लोग इसको भी देख सकते हो और अपने वाले को भी देख सकते हो, ठीक है। चलो टाइमिंग भी बताऊंगा कब ट्रेड करना है, टाइमिंग भी बताऊंगा, रुक जाओ। चलो ठीक है, ये देखो गाइस, मैंने दोबारा फिर से ओपन कर लिया। क्या करूंगा मैं यहां पे जाके ऑप्शन चेन खोलूंगा मैं। ये देखो, जैसे यहां पे गए मैं, क्लिक करूंगा ऑप्शन चेन आपके सामने, देखो ये देखो निकल के आ गया। अब मुझे लगता है, मान लो भैया मुझे लगता है यहां पे, मुझे लगता है कि ये देखो सारा गाइस, आप लोग जैसे बैंक निफ्टी में करते हो, निफ्टी निफ्टी में करते हो, उसी तरीके से यहाँ पे इंडिकेटर भी लगा सकते हो। देखो मैंने 9 EMA लगा रखा है, मतलब प्राइस एक्शन। देखो आप इतने टाइम से बैंक निफ्टी के अंदर काम कर रहे थे, निफ्टी निफ्टी के अंदर काम कर रहे थे, यहाँ पे कर लो सेम तरीका, सेम, बस थोड़ा सा न्यूज के ऊपर ध्यान रखना, मतलब कि 60% रोल न्यूज का है, न्यूज आपको पकड़नी पड़ेगी अगर क्रूड ऑयल में काम करने आ रहे हो। देखो एक बात कहूंगा गाइस, ये वो हथियार है जो आपको करोड़पति भी बना सकता है, तो रोडपति भी बना सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अभी आपको मैं समझाने वाला हूं, बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए मुझे, वीडियो लंबी हो गई, मुझे पता है वीडियो लंबी हो गई, लेकिन थोड़ा सा टाइम और चाहिए, बस थोड़ा सा, ठीक है। अभी आपको बताऊंगा कि करोड़पति कैसे बनाता है, रोडपति भी कैसे बनाता है। चलो आज वो दिखा दो, मुझे लग रहा है कि भैया ये मार्केट ऊपर जाएगा, मुझे लग रहा है ये ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे जाके भैया देखो 69,000 की मैंने कॉल, सॉरी 6,900 की कॉल, मतलब की 6900 की कॉल मैंने यहाँ पे ओपन करके रखी हुई है। ये देखो जैसे मैं जाऊंगा ऑप्शन चेन ओपन करूंगा, ये देखो मेरे सामने, ये देखो कॉल कौन सी ओपन करके रखी है मैंने, ये वाली, देखो ये वाली, ठीक है। इधर के साइड में ये कॉल होती है, इधर के साइड में पुट होती है, आपको तो पता ही है। चलो देखो मैंने ये ओपन करके रखी हुई है। अब यहाँ पे देखो आपके सामने प्राइस चल रही है, आपके सामने देखो यहाँ पे 92.40 चल रही है, देखो 92.80, 92.30 दिख रहा है आपको, देखो ये चल रहा है। ये कहां पे, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये बढ़ेगा, सेम टू सेम ऑप्शन ट्रेडिंग के जैसे, राइट। लेकिन यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं वो मैं ये कर रहा हूं कि रोडपति कैसे बना सकता है। देखो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले मैं इसके लोड साइज दिखाऊंगा आपको, ठीक है। देखो लोड साइज दिखाऊंगा, देखो गाइस, ठीक है। चलो ठीक है गाइस, आप लोग यहाँ पे देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने जैसे इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक किया, देखो कहां पे चल रहा है 90.80, यहाँ पे देखो प्राइस आपके सामने चल रही है, मतलब कैसे बाय करते, बाय करना आपको आता है। अगर मैं एक लोड यहाँ पे उठाऊंगा, अगर मैं एक नोट उठाऊंगा तो कितनी क्वांटिटी का है? 100 क्वांटिटी का। आप लोग देखते हो भैया निफ्टी निफ्टी के अंदर काम करते हो, एक नोट उठाते हो 25 क्वांटिटी का, ठीक है। आप बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हो, एक नोट उठाते हो 15 क्वांटिटी का, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप एक नोट उठाओगे तो 100 क्वांटिटी का, जिसमें पैसे कितने लग रहे, मतलब 9,100 रुपए अपने लग रहे। लेकिन जो मैं बात करूं रोड पत्ते की, सर वो कैसे कर रहे हो मेरे भाई? अगर ये 100 क्वांटिटी का, मतलब कहने का मतलब ये है आपने बाय कर लिया 91.80 के ऊपर, अगर ये 92 चला गया तो आपको डायरेक्ट 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, 100 रुपए का प्रॉफिट होगा, मतलब 1 पॉइंट बढ़ने के ऊपर आपको 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। अब सोचो अगर 10 पॉइंट बढ़ गया आपका, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट, 9,000 रुपए आपने डाले और 1,000 रुपए बना लिए, सोचो कितना रिटर्न आपने निकाला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं बैंक निफ्टी के अंदर अपन 40, 50, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट कैच करते हैं, यहां पे अगर आपने 10 पॉइंट कैच कर लिए, यहां पे भैया आपका हो गया सीधा सीधा 1,000 रुपए का प्रॉफिट। लॉस भी उसी तरीके से होगा, लॉस भी उसी तरीके से होगा, क्यों? क्योंकि एक लोट कितने का है? 100 क्वांटिटी का है। तो इसलिए मैं बोल रहा था गाइस यहां पे, ठीक है। यहां पे चलो और बात करते हैं इसके बारे में, और बात करते हैं, देखो सुनो, ठीक है। इसी तरीके से गाइस आपको इसके अंदर काम करना है। अब बात करते हैं टाइमिंग के बारे में, सर इसका टाइमिंग क्या रहने वाला, किस टाइम के अंदर हम काम करें ताकि हमको अच्छा रिजल्ट मिले, हमको अच्छा प्रॉफिट हो। देखो इसके अंदर गाइस टाइमिंग में यही कहूंगा कि देखो अपना ये इंडिया के अंदर ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो इंडियन मार्केट कब चालू होता है? 9:15 से 3:30 तक अपना इंडियन मार्केट चलता है, राइट। अब मुझे ये बताइए भैया, अगर मार्केट अपना चल रहा है तो लोग इसके अंदर काम करने क्यों आएंगे? अपने मार्केट के अंदर काम करेंगे ना। तो जैसे आज मैं भी काम करता हूं, मैं इंडियन मार्केट में काम करूंगा ना, जब 9:15 से 3:30 तक मैं इसके अंदर काम करता हूं, ठीक है। अब बाद में मैं फ्री रहता हूं, तो यह सबसे बड़ा बेनिफिट होता है उन लोगों के लिए जो जॉब करते हैं, 9 to 5 की जॉब करते हैं, वो शाम को यहां पे काम कर सकते हैं। मोमेंटम कब आता है? देखो गाइस मैं पर्सनली मेरा बता रहा हूं, ना मैं किसी से सुना मैंने, ना मैं किसी को देख के आया हूं, मेरे को, मैं ट्रेड करता हूं जब मेरे को मोमेंटम मिलता है, वही मैं आपको बता रहा हूं। मेरे को मोमेंटम मिलता भैया शाम के 6 बजे से लेके 10:30 तक के बीच में, अच्छा मोमेंटम मिलता है। अभी भी आप लोग देख सकते हो, देखो मोमेंटम अभी भी आप लोग देख सकते हो, 6 बजे बाद में देखो पहले मार्केट पूरा का पूरा साइडवेज था, देख लो पूरा का पूरा साइडवेज था, लेकिन यहां पे देखो 8 बजे 6 बजे के बाद में मार्केट के अंदर मोमेंटम आना चालू है, प्रीमियम बढ़ना घटना चालू है, जो मैंने देखा वही मैं आपको बता रहा हूं। तो जो भी क्रूड ऑयल के अंदर काम करना चाहते हैं 6 बजे से लेकर 10:30 तक आप लोग काम कर सकते हो। इसका टाइमिंग क्या होता है? ये अपने भैया लगभग 9:15 के आसपास ओपन हो जाता है, ठीक है, वही टाइम के ऊपर ओपन हो जाता है और शाम को 11:30 बजे तक चालू रहता है, शाम को 11:30 बजे तक चालू रहता है। आपको ट्रेड कब करना है? 6 बजे से लेकर 10:30 तक। अब सर इसी बीच में मोमेंटम क्यों आता है वो भी बता दो, सर इसी बीच में मोमेंटम क्यों आता है वो भी बता दो। उसका रीजन ये कि 6:30 बजे के बाद में, मतलब 6 बजे बाद में, 5 बजे बाद में अपना अमेरिकन मार्केट चालू होता है। जो अमेरिकन मार्केट होता है ना वो 6 बजे बाद में चालू होता है, इसलिए इसके अंदर मोमेंटम फास्ट आता है।
समझ में आ रहा है, ये रीजन है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो समझ में आई, किस तरीके से ट्रेड करना है, ट्रेड करना आपको आना चाहिए, किस तरीके से आपको कहां पे उठाना है, कहां पे सेल करना है, वो सारा आपके ऊपर। बाकी अगर आपको और पूरा जानना है इसके बारे में कि सर हमें तो ये भी बताइए कि कब उठाना है, कब सेल करना है, कैसे हमको इसके अंदर स्ट्रेटजी लगानी है, सारी बात अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक करना, शेयर करना। शेयर इसलिए करना क्योंकि गाइस बहुत से लोगों का लॉस हो रहा है इंडियन मार्केट में, वो यहां पे ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं अगर आप अच्छे से काम करते हो। तो चलिए गाइस आज की इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।